हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अकेडमिक चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत यह है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया, अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट और टीचर्स हैं। तो जल्दी से क्या करें, आपको इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें सब्सक्रिप्शन को जल्दी से। इसके लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखते हैं डेली लाइव क्लासेस होती है, कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं टीचर से, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है। यहाँ पे हर एक टॉपिक के बाद आपको न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, पोलिंग के थ्रू आपको मोर इंटरेक्टिव वे में सब्जेक्ट को सिखाया जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है, यहाँ सिलेबस सिलसिलेवार ढंग से खत्म हुआ और टाइम के साथ खत्म हुआ। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया था, जितने रिकॉर्डेड वीडियो वो एक्सेस कर सकते हैं। इवन जो भी कोर्सेस है बच्चों, वो आप क्या कर सकते हैं कि एक टीचर है 20 टीचर से मान लीजिए प्लस में, अब किसी के भी एक्सेस कर सकते हैं सेम सब्जेक्ट के, है ना। देखिए 6,000 था ये कितना था 15,000, ये कितना था 24,000, कितना था 30,000, और ये बच्चों 36। जो 10% का ऑफ है, ये 10% का ऑफ देख रहे हैं आप, ये कहाँ मिलेगा, रेफरल कोड मेरा आदित्य यूज कीजिएगा, नीट जी किसी भी तरह के कोर्सेज में मेरा रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक मंथ का पर मंथ कितना 5,400, 3 मंथ का देखिएगा पर मंथ कितना 4,500, 6 मंथ का कितना पर मंथ 6,600, 12 मंथ्स का पर मंथ कितना है 2,250, 24 मंथ्स का पर मंथ होता है 1,350। 12 और 24 मंथ्स आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में, सो कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया था आपको बच्चों कि मान लीजिए एक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। इसका अच्छा डायरेक्शन तो इसका इधर होगा डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। अच्छा इधर देखिए, अब यहाँ क्यू चार्ज आपने लिया, क्यू चार्ज लिया, ये जो डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस आर है, ये क्या है आपको ए और ए, है ना। यहाँ पे कंडीशन क्या, आर ग्रेटर ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हो गया शॉर्ट डाइपोल, ये हो गया, ये बताया था मैंने। फिर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये शॉर्ट डाइपोल, तो यहाँ पे बताइए तो नेट टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा 0, तो आपको नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होता है पी क्रॉस ई। ये बच्चों एक्सटर्नल फील्ड है, यूनिफॉर्म है क्या, नहीं, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, है ना। अच्छा चलिए यहाँ देखते हैं, मैंने नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ पे नज़दीक में है, ये क्या है दूर में। अच्छा ये थीटा इक्वल टू 0 हो गया है कि नहीं, अच्छा ठीक है। अब देखिए टॉर्क इक्वल टू 0, अब जब फोर्स जब निकालिएगा बच्चों, फोर्स इस पॉइंट चार्ज और इस डाइपोल सिस्टम का, तो लिखेंगे हम क्या बताया था 2qp 4πε0 r³, यहाँ पे टॉर्क क्या है 0, डन, ठीक है। अच्छा चलिए दूसरा केस, अच्छा फोर्स क्या है बच्चों नॉट इक्वल टू 0 ना, फोर्स नॉट इक्वल टू 0, फोर्स नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं, यहाँ का जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स इधर लग रहा है, ये रिपेल करेगा, इसका फोर्स इधर लग रहा है, और ये दोनों डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये एक्सटर्नल फील्ड यहाँ का फील्ड इस डिफरेंट है, तो फोर्स नॉट इक्वल टू 0 हो गया आपका, फोर्स नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट पे, अच्छा टॉर्क 0 कब होगा, टॉर्क 0 कब होगा जब पैरेलल हो जाएगा थीटा, जब आपको टॉर्क 0 करना है उस सिस्टम का, टॉर्क 0 करना है तो कब होगा, जब ये आप माइनस क्यू, यहाँ देखिएगा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, आपने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके पैरेलली रख दिया, जो डाइपोल है यहाँ पे मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो क्या हो जाएगा कि टी इक्वल टू क्या होता है पी क्रॉस ई, मतलब साइन थीटा साइन 180 0। इस केस में पैरेलल रखेंगे हम, पैरेलल रखेंगे सिस्टम, मतलब कि आपको क्या डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो टॉर्क आपको क्या हो जाएगा 0, डन, ठीक है। तीसरा पॉइंट, टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 का केस कब, जब थीटा नॉट इक्वल टू 90 रहे या 180, किसी भी एंगल पे अदर देन 90 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल रहेगा तो टॉर्क नॉट इक्वल टू 0, ठीक है केस। चलिए अब दूसरा केसेस हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, देखिएगा वीडियो को पॉज करके इसको समझिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस में देखते हैं हमने क्या लिखा, ए डाइपोल, अब डाइपोल को क्या किया है, ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन द फील्ड
इन द फील्ड ऑफ ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, ये लीनियर चार्ज लिया, प्लस 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 चार्ज इस तरह से रखा है हमने, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक डायपोल लिया है माइनस क्यू माइनस और ये प्लस, डायपोल बताइए यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस क्यू, ठीक है प्लस क्यू, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया। अच्छा अब देखिए तो जल्दी से, यहाँ पे माइनस है ये प्लस चार्ज है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन इसके लिए एफ इक्वल टू हो गया क्यू इंटू ई। अच्छा यहाँ पे बताइए ये चार्ज है ये क्या करेगी बच्चे, रिपेल करेगी है ना, एफ इक्वल टू क्या क्यू। तो यहाँ हम देख रहे हैं फोर्स, तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो हो गया, एफ नेट जीरो हो गया, बट टॉर्क नेट जीरो हुआ क्या, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायपोल के बीच थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा आपका पी क्रॉस ई, डन ठीक है। चलिए एक और केस डिस्कस करते हैं, यहाँ इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और समझिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अब कि ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे हमने डायपोल को इस तरह से रखा, देखिएगा ध्यान से, ये माइनस क्यू और ये क्या प्लस क्यू, ठीक है। तो ये माइनस, ये डायपोल मोमेंट इधर डायरेक्शन हो गई पी, इसका डायरेक्ट डिस्टेंस भी। अच्छा ये तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स इक्वल टू क्यू ई हो गया, ये क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा, एफ इक्वल टू क्यू ई। बताइए इस केस में नेट टॉर्क पी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा तो आपको क्या हो गया जीरो, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया जीरो है ना, बट फोर्स नेट फोर्स जीरो होगा क्या, नॉट इक्वल टू जीरो। रीजन इसका, ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है ना, बट यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस क्या है कम है, यहाँ पे क्या है ज्यादा, तो एफ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए जल्दी से देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ कंसिस्ट चार्ज माइक्रो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, द डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 2 × 10⁵ N/cm, व्हाट मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ना, टॉर्क इक्वल टू क्या पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई का मतलब क्या पी ई मैग्नीट्यूड और साइन 90। अच्छा बताइए डायपोल का आपको मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, 0.2 × मैं लिख देता हूँ, ये चार्ज लिख दिया 2 × 10⁻², डिस्टेंस लिख दिया ये मीटर में, इंटू कितना 2 × 10⁵ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका टॉर्क कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 8 × 10⁻⁴ Nm, आ गया आपका टॉर्क, डन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फॉर्मूला पुटिंग, फॉर्मूला पुटिंग, यहाँ देखिए आपके क्या कर रहा है, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई हो जाएगा, फिर से पी क्रॉस ई साइन कितना 30 डिग्री। बताइए पी कैसे निकालेंगे, फिर से देखिए डिस्टेंस कितना है, फील्ड के पीक पी आपको चार्ज कितना है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हेल्ड विद यूनिट 10 N, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एक्सपीरियंस है टॉर्क, कैलकुलेटर मोमेंट ऑफ द डायपोल, ठीक है। तो आपको डायपोल ने टॉर्क दे रखा है 9 × 9 × कितना 10⁻²⁶ N। अच्छा पी आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है आपको 10⁴ N/s, ठीक है। तो पी निकल गया, पी निकल कितना गया 1.8 × 10⁻²⁹ N, डन ठीक है। ये आ गया साइन 30 रख दिया हमने यहाँ पे और पी यहाँ पुट कर दिया, तो टॉर्क इक्वल टू पी इक्वल टू कितना हो गया, पी इक्वल टू आ गया टॉर्क बाई क्या कर देंगे ई से डिवाइड कर देंगे और 1/sin 30, ठीक है ना। इसे आ गया बच्चों भी क्या करना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, मेरा रेफरल कोड याद रखना आदित्य, और सबको उससे का यूज करने को बोलना है, और आपको क्या सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी